फ्रेंड्स, बहुत ही नई वीडियो में आज के डब्बी के कॉन्टैक्ट नंबर किस प्रकार से सेव करते हैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है और ओप्पो का फोन है। फ्रेंड्स, आई शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डायल पैड ओपन करना है। डायल पैड ओपन करने के बाद आप उस प्रकार से इंटरफेस आते हैं एंड रीजन फॉरवर्ड पर क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको करेक्ट न्यू कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है एंड फोटो डालना चाहे तो फोटो डाल सकते हैं जिसका नंबर सेव कर रहे हैं एंड इस पर क्लिक करके टेक फोटो या चॉइस फोटो अपने हिसाब से एंड फर्स्ट नेम डालें जिसका नंबर सेव कर रहे हो एंड इस तरीके से नेम डाल लेंगे। बट मैं नेम नहीं डाल रही, ऐसे डाल रही हूँ। एंड इसके बाद दिखता है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर आपको 10 डिजिट का होना चाहिए आपको समझाने के लिए। एंड इसके बाद आपको दिखता है मॉल का ऑप्शन एंड इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, करना चाहिए तो जैसे डेट ऑफ बर्थ, वेबसाइट और एड्रेस, होम एड्रेस, ये सब चीज़ ऐड कर सकते हैं। नहीं करना तो कोई बात नहीं, जब सब कुछ सेव हो जाते तब सब कुछ सेट हो जाए सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करते हैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो चुका देख सकते हैं। एंड ये वाला हमने सेट नहीं किए हैं और इसके नीचे वाला सेट किए हैं एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर सकते हैं। अगर सॉरी फ्रेंड्स, और इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं। अगर दोबारा से एडिट करना हो तो इस पेंसिल पर जाके एडिट कर सकते हैं एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।